नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम योग दर्शन में। अपने काफी कुछ जान लिया गिरी जी के माध्यम से। कुछ आसन वो बताएंगे जिनको अपना के आप काफी हद तक एक आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, एक स्वस्थ भरी जिंदगी जी सकते हैं। तो गिरीश जी, आप हमको कौन कौन से आसन बताने जा रहे हैं आज? इनको 5 से 7 आसन हम बताएंगे इनको सीरीज के रूप में। इसमें क्या है, पहले हिप ओपनिंग वाले आसन रहेंगे, उसके बाद स्टैंडिंग आसन रहेंगे। स्टैंडिंग आसन करने से ये फायदा रहता है कि आपने अंदर स्टेबिलिटी आती है आपकी बॉडी में। उसके बाद उसका इन्वर्सन आसन वैसे करते हैं, लेकिन इन्वर्सन नहीं करेंगे आज, उनको ट्विस्ट आसन सिखाएंगे। ट्विस्ट आसन करने से इनके अंदर जो भी टॉक्सिन है वो रिलीज हो जाता है, तो टॉक्सिन रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा है और एनर्जी बूस्टअप करता है। उसके बाद फिनिशिंग आसन करना बहुत जरूरी रहता है। फिनिशिंग आसन में 2 आसन इनसे करेंगे और उसके बाद शवासन में इनको लेटा देंगे जी। और साथियों, आसन बताने के लिए और हमको योग के बारे में थोड़ी और जानकारी देने के लिए हमारे साथ करण और संकेत भी मौजूद हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है करण और संकेत। और गिरीश जी, कौन से आसन से शुरुआत करेंगे पहले? हाँ, पहले अधोमुख श्वान आसन से करेंगे हम। ये आसन जो है कुत्ते से सीखा है हम लोगों ने, है ना। कुत्ता भी देखो, एक प्राणी भी जो है बहुत अच्छी शिक्षा देता है हमारे को। और ये आसन में फायदा ये है कि पूरे शरीर की इसमें स्ट्रेचिंग होती है और प्रॉपर पूरा ब्लड जो है पूरे शरीर में, जहाँ पे भी अगर ब्लड नहीं पहुँचता वहाँ पहुँच जाता है। और ये पूरा आपके अंदर से आलस्य को पूरा निकाल देता है, स्पाइन को पूरा खींच के रखता है, इसमें स्पाइन पूरी सीधी हो जाती है, बैक पेन का प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा आपके, और एनर्जी अच्छी बूस्ट होती है इसमें, बहुत अच्छा एनर्जी इसमें बूस्ट होती है। बाकी कितनी देर तक, एक आसन को कितनी देर तक हमको रखना चाहिए? इसको होल्ड जो है आप 3 मिनट तक कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी के अनुसार। अपने शरीर के बारे में सुनना है उसमें, सांसें उसमें लेते रहना है, सांसें रोकना नहीं है और अपनी कैपेसिटी को सुनना है। 3 मिनट तक इसको कर सकते हैं और ऐसे रुक के अगर करना चाहें तो 1-1 मिनट बाद फिर 2-3 बार रिपीट भी कर सकते हैं इसको, ऐसा कोई दिक्कत। दूसरा आसन गिरीश जी, हमारे जो साथी हैं वो कौन सा बताने जा रहे हैं? इसके बाद शशांक आसन ये करेंगे। शशांक आसन जो है ये भी एक रिलैक्स हिप ओपनिंग आसन है आपका, इसमें भी स्पाइन जो है पूरी सीधी हो जाती है अच्छे से और ब्लड जो है आपका सर की तरफ भी जाता है इसमें, तो रिलैक्सेशन आता है साथ में, हिप ओपनिंग आती है साथ में रिलैक्सेशन भी हो जाता है इसमें, तो बहुत ही अच्छा आसन है। ये सब जो है ये प्राइमरी आसन कहलाते हैं, पहले हिप ओपनिंग करना जरूरी रहता है। ये योग की सीरीज है, योग की सीरीज को सीरीज के अनुसार नहीं करवाते आज की डेट में, इसीलिए प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसको सीरीज के अनुसार ही कराना चाहिए, पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है, ये एक सीक्वेंस है, और कैसे फिनिशिंग करना है ये इसका सीक्वेंस है। इससे हम देख रहे हैं कि जो हमारा शरीर है वो काफी स्ट्रेच भी हो रहा है, तो इससे निसंदेह काफी आराम भी मिलता होगा। पूरा स्पाइन रिलैक्स होती है ना, स्पाइन सीधी होती है तो आपकी जिंदगी में ऊर्जा का लेवल बढ़ जाता है। जी जी। और ये ऊर्जा का लेवल बढ़ने से ही पूरी जिंदगी है आपकी, दिन भर आपके अंदर उत्साह बना रहता है, डलनेस नहीं आती, क्रोध नहीं आता, सामंजस्य बना रहता है अपने आप से, आप अपने आप में फील मस्ती महसूस करते रहते हैं, तो ये उसका कारण। तो तीसरा आसन जो ये करने जा रहे हैं हस्त उत्तान आसन, ये भी स्पाइन की ओपनिंग करता है, स्पाइन को लेंथनिंग करता है इसमें। इसमें दृष्टि एक जगह फिक्स रहती है, इससे एकाग्रता भी बढ़ती है और हम बोल सकते हैं लंबाई भी बढ़ जाती है थोड़ी सी, है ना। लेकिन मेन जो है इसमें स्पाइन, इसमें सीधी होती है स्पाइन, जितनी सीधी होगी आपके अंदर उत्साह बनेगा, ये उसका पूरा योग है। तो ये प्राइमरी आसन है तीनों, मतलब एक आसन से हमको अनेक फायदे मिलते हैं। अब इसके बाद चौथा आसन है तिर्यक ताड़ासन। इस आसन में जो है साइड में बेंडिंग होती है, तो स्पाइन की जो साइड में कहीं पे भी अगर आपका दबाव आ गया बैठे बैठे तो उसका ओपनिंग हो जाता है, तो उससे जो है आपकी डिस्क रिलीज हो जाती है, स्पाइन को इलास्टिसिटी मिल जाती है, स्ट्रेंथ मिल जाता है और कहीं भी दबाव होगा वो दबाव रिलीज हो जाता है, तो ये जो साइटिका पेन और इस टाइप के कोई पेन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं इससे। और ये हम देख रहे हैं गिरीश जी के बहुत ही धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बड़े आराम से ये आसन किए जा रहे हैं। हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि योग ठहराव का नाम है और योग के आसन जो है प्रॉपर वे में शरीर, मन और सांस तीनों के सामंजस्य से होना चाहिए, तभी आपका मन जो है अमन की स्थिति में आ सकता है। तेज अगर आसन करेंगे तो वो योग ना होकर एक्सरसाइज हो जाएगा, तो वो एक्सरसाइज नहीं करना है हमको, तो हमें करना है योग। तो योग का फायदा प्रॉपर तभी मिलेगा जब प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, प्रॉपर टाइमिंग के साथ करेंगे आप, तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। और अब इस आसन के बाद कौन से आसन की बारी है? इसके बाद ट्विस्टिंग आसन करेंगे हम लोग, अर्धमस्तेंद्र आसन उसका नाम है, ऋषि के नाम से अर्धमस्तेंद्र आसन। इससे आपके शरीर के बॉडी के पूरे टॉक्सिन जो है वो रिलीज हो जाते हैं
टॉक्सिन पूरे बाहर हो जाते हैं। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम है पेट से संबंधित, वो सारे ठीक हो जाते हैं। समान वायु इसमें जो है एक्टिवेट हो जाती है, अपान और समान दोनों एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें रीढ़ जो है वो भी, इसमें रीढ़ का भी काम पूरा वही है, वो ट्विस्टिंग करता है पूरा। तो उससे क्या है कि जो भी कहीं भी दबा हुआ होगा वो भी खुल जाता है इससे। तो ये आसन का ये फायदा है बहुत ज़्यादा। बस ये प्रॉपर वे में जैसे कर रहे हैं इसी तरीके से आपको करना है। सही तरीके से करना बहुत जरूरी है योग को, सहज रूप से और सरल रूप से करना, ये योग का काम है। और उस आसन में पहुंचने के बाद आपको ठहराव रखना है, ठहराव बहुत जरूरी है। उसमें कुछ सांसें लेना आपका बहुत जरूरी है, फास्ट नहीं भागना किसी में। और ये हम देख रहे हैं कि ये दोनों तरफ से बराबर से किए जा रहे हैं, सीधे तरफ भी और उल्टी तरफ भी, दोनों तरफ करना बहुत जरूरी रहता है, तभी वो बॉडी का बैलेंस बनता है। इसलिए दोनों तरफ से जरूरी है करना, एक तरफ से कभी भी ना करें, दोनों तरफ से करें तभी ठीक रहेगा। नहीं तो एक तरफ से स्ट्रेच हो गया, दूसरे साइड से स्ट्रेच नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, कहीं की मसल्स पुल हो सकती है, कहीं कोई खिंचाव आ सकता है। इसलिए दोनों साइड से करना बहुत जरूरी है। ये जो है सेतुबंध आसन कर रहे हैं, सेतुबंध ये सर्वांग श्रेणी का आसन है। इसके फायदे इतने ज्यादा हैं कि गिनते जाएंगे तो कम हो जाएंगे। ये लेडीज और जेंट्स दोनों में समान रूप से फायदेकारक है। इसमें मध्य का भाग पूरा उड़ जाता है और ब्लड जो है आपका पूरा फिर सर की तरफ जाता है, हार्ट की पूरी ओपनिंग होती है, प्रॉपर आपकी ब्रीदिंग होती है। थायराइड वालों के लिए अच्छा है और आपके सांस वालों के लिए अच्छा है और पीठ के दर्द वालों के लिए भी अच्छा है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए अच्छा है। महिलाओं में जो यूटेरस के प्रॉब्लम होते हैं, जो गायनिक प्रॉब्लम होते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आप 5 मिनट तक रुक सकते हैं। अगर इसमें आप रुक नहीं पाते तो नीचे सपोर्ट देके भी आप रुक सकते हैं। इसमें आराम से रिलैक्स पोजीशन में नीचे से कोई भी ब्लॉक्स लगा दें या कोई तकिया रख दें, तकिया लगा के आराम से आप इसमें 5 मिनट तक रह सकते हैं। तो गिरीश जी, मेरे ख्याल से इसमें ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि करते वक्त दर्द ना हो। आसन करते वक्त जैसे ही दर्द महसूस हो तो तुरंत हमको उस आसन को रोक देना चाहिए। देखो दर्द तभी आता है जब आप गलत तरीके से करते हैं। प्रॉपर वे से, सही तरीके से, सहज तरीके से, सरल तरीके से करेंगे तो कभी दर्द नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर तरीका रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए सहज रूप से करेंगे किसी को दर्द नहीं आएगा। और दर्द आए तो आप रुक जाओ और सुनना अपने शरीर की है। जब आपका शरीर न माने तो उसके आगे रुक जाने का। ये तकलीफ लेके कोई भी आसन नहीं करना चाहिए। ये जो नो पेन नो गेन वाला जो है सिस्टम है ना, वो योग में ला दिया है, वो गलत है। ये नो पेन और मोर गेन, ऐसा सहज हमारा योग है और उसी तरीके से हमको करना है। नो पेन मोर गेन, यही लास्ट आसन ये करेंगे अभी। अपान आसन ये इसका काउंटर पोज है, इसको करना जरूरी रहता है। हाँ, ये काउंटर पोज है और ये फिनिशिंग आसन भी हैं दोनों। तो इससे क्या है कि पूरी आपकी सीरीज हो जाती है। इसमें आपने पहले हिप ओपनिंग कर ली, फिर स्टैंडिंग आसन कर लिया जिससे आपकी स्टेबिलिटी आ गई, उसके बाद आपने ट्विस्ट आसन कर लिया, टॉक्सिन रिलीज हो गए, उसके बाद आपने फिनिशिंग आसन आखिरी में कर लिए। तो जो एनर्जी आपने गेन की थी उस एनर्जी को संजो के रखी गई आसन। मतलब आपने हर जो शरीर के हर अंग को आपने एक तरीके से योग के थ्रू और एक व्यायाम दे दिया, उनको एक्टिव बना दिया। बिल्कुल सही कहना आपने। तो योग यही हमारे जीवन में लाता है। अब ये सवासन में जा रहे हैं, सवासन करना बहुत जरूरी है। आज के समय में जो योग करवा रहे हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, ख़त्म कर देते हैं बस कहीं से भी और छोड़ देते हैं। सवासन करने से ये होता है कि इनके मन पे जो भी कहीं शरीर में कहीं भी खिंचाव आया है, कहीं तनाव आया है, कहीं से बॉडी पुल की है, तो वो पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाती है। प्लस जो आपने एनर्जी गेन की है वो पूरे शरीर में आ जाती है, तो आपको बहुत ही अच्छी एनर्जेटिक लगता है। 5 मिनट की इस योग निद्रा से, सवासन से आपको कम से कम समझ लो 5 घंटे की नींद हो जाती है बराबर इसमें। मतलब आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है जिसमें कई तरह के तनाव होते हैं, परेशानियां होती हैं, तो ऐसे में अगर हम ये कुछ आसन कर लें और लास्ट में जैसा कि आपने बताया शवासन कर लें, तो इससे काफी हद तक हमको आराम मिल सकता है। हाँ, तनाव को मैनेजमेंट करने का ये पूरा संयोग है जी। और तनाव मैनेजमेंट तभी होगा जब आप सहज और सरल रूप से करेंगे। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों का बैलेंस करके करेंगे तभी आपके अंदर से तनाव जाएगा। और अगर एक्सरसाइज करेंगे तो फिर आपके अंदर सूर्य नाड़ी तेज होगी, सूर्य नाड़ी जैसे ही तेज होगी आपके अंदर तनाव फिर से बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान रखना है, इसलिए योग और एक्सरसाइज को मिलाना नहीं है,
तो ये फर्क है अपने प्राचीन योग का। तो प्राचीन योग पे ही हम लोग फोकस करते हैं और प्राचीन योग ही करना चाहिए लोगों को। गिरीश जी, अब शवासन हो गया, अब आप हमको क्या सिखाने जा रहे हैं? दो प्राणायाम हम लोग करेंगे अभी। एक भ्रामरी प्राणायाम, इससे आपका मन तुरंत जो है शांत हो जाता है इसमें, और जो सूर्य नाड़ी अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज से बड़ी भी होगी तो वो रिलैक्स आ जाती है, चंद्र नाड़ी के साथ बैलेंस हो जाती है। वैसे तो इस योग से कभी बढ़ेगी नहीं सूर्य नाड़ी, तेज होगी नहीं, क्योंकि सहज और सरल रूप से हम करवाते हैं। अगर फिर भी कुछ बड़ी हो तो ये रिलैक्स कर देगा उसको। और ये गिरीश जी मेरे ख्याल से भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ, भ्रामरी प्राणायाम है ये बहुत ज़्यादा एकाग्रता लाता है, फोकस बनाता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। जो हमारे जो बच्चे हैं और जो युवा वर्ग हैं, इनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बहुत ही लाभदायक है ये, तुरंत इंस्टेंट। अगर मन विचलित है तो आप इसको अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सांसें जितनी गहरी लेते हैं उतनी गहरी छोड़ते हैं, तो आपका जो मन तनाव जो रहता है वो तनाव निकल जाता है। जब सांसें हम बराबर लेवल की लेते हैं तो तनाव जल्दी से खत्म हो जाता है जी। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहूंगी कि जो भ्रामरी प्राणायाम में किस तरह की ध्वनि निकालते हैं। आपने जो योग के बारे में हमको इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शकों को बताया कि योग कितना महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, और जो ये प्राचीन भारत की जो देन है वो जो योग हमको मिला है एक अनमोल उपहार के रूप में, इसको पूरा विश्व तो अपना ही रहा है, तो क्यों ना हम सब भी अपनी जिंदगी में ढालें और योग अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ बनाए, समृद्ध बनाए, खुशहाल बनाए। गिरीश जी, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और यहाँ पर मैं अपने जो साथी हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे हमको प्राणायाम दिखाए और जो योगासन सिखाए, इसके लिए मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। तो दर्शकों, उम्मीद है कि हमारा ये आज का योग दर्शन का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ कैमरामैन पुनीत सोनकर और मोनिका शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।